हिंदुओं के चार प्रमुख धाम होते हैं, जिनमें से एक बद्री नारायण तीर्थ स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। हिमालय की तलहटी में बसे बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। बद्रिकाश्रम यानी बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, अर्थात बद्रीनाथ जैसा स्थान मृत्यु लोक में न पहले कभी था और न भविष्य में कभी होगा। तो चलिए, अक्षय तृतीया के मौके पर और खास तौर से चार धाम की यात्रा खुलने के उपलक्ष्य में आपको भगवान बद्रीनाथ के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एनएन श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मंदिर से जुड़ी रोचक बातें। माना जाता है कि भगवान विष्णु विग्रह रूप में यहाँ तपस्यारत हैं। यहाँ के दिव्य दर्शन करने पर भगवान विष्णु के विग्रह को एकटक निहारने पर ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे सामने साक्षात भगवान विष्णु हो। माना जाता है कि जोशी मठ में, जहाँ शीतकाल में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है, वहाँ नरसिंह का एक मंदिर है। शालिग्राम शिला में भगवान नरसिंह का अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की बाई भुजा पतली है और समय के साथ ये और भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और इस वजह से कोई यहाँ दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान नारायण के वास के रूप में जाना जाने वाला बद्रीनाथ धाम आदि शंकराचार्य की कर्मस्थली रहा है। ये माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा कपाल तीर्थ है, जहां शिवजी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यहाँ पितरों को पिंड तर्पण दिया जाता है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर में ही माँ लक्ष्मी का मंदिर है। बद्री विशाल के दर्शन के बाद ही यहाँ भक्त माँ लक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के 1 मीटर ऊंची काली पत्थर की प्रतिमा है, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में सुशोभित हैं। मंदिर के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। ये जब तक रावल के पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। मंदिर के पास बनी व्यास और गणेश की गुफाएं हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं। यहीं बैठकर वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। माना जाता है कि पांडव द्रौपदी के साथ इसी रास्ते होकर स्वर्ग गए थे। बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की 15 मूर्तियां विराजमान हैं। अक्षय तृतीया पर जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो उस समय भी मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व होता है। माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।